बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलोज किचन। आज हमने चिकन पुलाव बनाया है, सिंपल और मजेदार सा पुलाव। तो आइए इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 रेड चिली पाउडर आपके अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं अभी 1/2 टीस्पून यूज कर रही हूं क्योंकि हम इसमें ग्रीन चिली भी यूज करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 कप योगर्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 15 से 20 मिनट चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। पैन में 1/2 कप जितना ऑयल ऐड करेंगे। दो मीडियम साइज अनियन स्लाइस में कटी हुई को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इसको फ्राई कर लेते हैं ब्राउन होने तक। ये प्याज गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें से थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूंगी एंड में पुलाव पे डालने के लिए, और अब बाकी की प्याज में हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें सफेद जीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, एनी स्टार, और ये जायफल और तेज पत्ता। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। साथ ही इसमें एक टमाटर डाल देते हैं। अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। ये 1/2 kg चिकन है, 500 ग्राम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके साथ और थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको कवर करके हल्की आंच पे चिकन के गलने तक कुक करेंगे। पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये दही और टमाटर के पानी में ही गल जाएगा। इसको कवर करते हैं, फ्लेम को लो कर देते हैं और इसको चिकन के गलने तक कुक करते हैं। 20 मिनट्स हो गए, चेक कर लेते हैं। चिकन अच्छे से गल गई है और इतना सारा पानी चिकन ने रिलीज किया है, हमने इसमें बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं किया था। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमें इतना ऐड करना है जितना चिकन के लिए भी और चावलों के हिसाब से भी, और फिर हम एडजस्ट कर लेंगे एंड में। ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे जितने में हमारे 1/2 kg राइस भी कुक हो जाए। रेशो जो है वो 1 और 2 का होता है, यानी 1 कप राइस तो 2 कप पानी, तो 1/2 kg राइस इक्वल टू 2 कप्स होते हैं। तो मैं इसमें 3.5 कप वाटर ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा यखनी का जो चिकन का पानी था वो भी इसमें था, इसलिए 4 कप पूरा ऐड नहीं कर रही। और आप अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी ऐड करें कि जितने में आपके चावल जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। ये पानी डालने के बाद हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा पानी बॉईल हो जाए फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। ये पानी में बॉईल आ गया है। ये 1/2 kg राइस 1/2 आवर सोक करके रखे थे, अब मैं वो डाल दूंगी इसमें। अब इसको 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे कुक
खुला कवर किए बगैर कुक करते हैं। ये 5 मिनट्स हमने हाई फ्लेम पे बना लिया है, अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे कुक करेंगे 7 से 8 मिनट और उसके बाद चेक करेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए, इसका वाटर जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। ये देखिए बहुत थोड़ा सा पानी रह गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, दूध में मिक्स किया हुआ फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें नहीं तो नहीं, फ्राई की हुई अनियन ऐड करके इसको फॉइल चढ़ा के दम लगा देंगे 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, बहुत ही स्लो फ्लेम पे हम इसको दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए। इसको 10 मिनट्स हो गए, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त सा दम आ गया है, ये देखें। इसको 5 मिनट हम इसी हालत में छोड़ देते हैं और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। चिकन पुलाव को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक सेंड करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।